Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday we learned mechanism of hormone action. ठीक है, कल जो हमने पढ़ा था वो था mechanism of hormone action. तो इसके दो basic mechanism थे. एक था fixed membrane receptor mechanism और दूसरा था mobile receptor mechanism. तो कल जो हमने देखा है वो था fixed membrane receptor mechanism, जो किन हारमोन्स के लिए था, जो प्रोटीन इन नेचर थे या अमीनो एसिड इन नेचर थे, उन हारमोन वो जो हारमोन्स है कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म को क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, पानी में क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं. इसलिए वो क्या करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी नेचर क्या होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, उससे आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते. इसलिए फिर वो क्या कहते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है उसी के ऊपर उनके क्या मौजूद होते हैं, रिसेप्टर मौजूद होते हैं, उनके साथ बाइंड होते हैं. ठीक है ना, वहाँ से क्या कर रहे होते हैं, वो फास्ट मैसेंजर पर काम करते हैं. नेक्स्ट जो है आगे क्या मौजूद होता है, कल मैंने आपको बताया था एडेनाइलेट काइनेज होता है, वो जब एक्टिवेट हो गया तो क्या कर दिया, एटीपी को साइक्लिक एएमपी के अंदर क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है. जो किसके तौर पर काम करती है, साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म पर क्या कर रही होती है, काम कर रही होती है. वो फिर आगे सेल के अंदर जाकर दूसरी जो प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म होती है उनको एक्टिवेट कराती हैं. इस तरह सेल क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है. जो आज जो हम पढ़ेंगे वो है मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म. ये जो मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म है ये किन के लिए इस्तेमाल होता है, कौन सा हार्मोन उसके लिए इस्तेमाल होता है, जो स्टीराइड इन नेचर होते हैं. ठीक है, अब अगर स्टीराइड इन नेचर है तो मतलब इनकी एग्जाम्पल्स क्या होंगी, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन इनकी क्या होती हैं, एग्जाम्पल्स होती हैं. जो मोस्टली क्या होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स होती हैं. ठीक है, जो स्टीराइड इन नेचर होते हैं तो उनका जो मैकेनिज्म वो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है. ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो हार्मोन है स्टीराइड है ये क्या होते हैं, लिपोफिलिक होते हैं. अब लिपोफिलिक का मतलब क्या होता है कि ये लिपिड्स के अंदर क्या होते हैं, आसानी से क्या हो सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं. तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन और लिपिड्स दोनों मौजूद होते हैं. तो ये जो हार्मोन्स हैं ये जो स्टीराइड इन नेचर हैं, स्टीराइड हार्मोन कोई भी होगा वो डिफ्यूज हो जाएगा और आगे सेल के अंदर चला जाएगा. सेल के अंदर आगे क्या मौजूद होगा, साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म के अंदर इनके क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं. वहां जाकर ये क्या करते हैं, नई प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं. इस तरह सेल क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है. अब हम इनकी डिटेल से देखें अगर, तो ये मोबाइल रिसेप्टर जो मैकेनिज्म है, ठीक है ना, कितने हार्मोन्स के लिए इस्तेमाल होता है, स्टीराइड हार्मोन्स के लिए. इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं फिर. ठीक है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल जो होगा वो क्या होता है, एक स्टीराइड हार्मोन फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं टेस्टोस्टेरोन की. ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, सेक्सुअल हार्मोन है जो मोस्टली मेल्स के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है और सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उनकी डेवलपमेंट कराता है. तो फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या है, आसानी से ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा रहा है. ठीक है ना, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड उसे क्या करेंगे, रिलीज कराएंगे. फिर वो आगे किस में चला जाएगा, ब्लड के अंदर. ठीक है ना, ब्लड स्ट्रीम से तो वो कहाँ पर जाएगा, टारगेट सेल के साथ. जैसे वो टारगेट सेल तक पहुंचता है तो वो आसानी से क्या हो जाता है, क्रॉस कर जाता है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को. फिर वो आसानी से क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा. आगे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मौजूद होंगे, प्रोटीन रिसेप्टर मौजूद होंगे. अच्छा, एक बात ये जान लें कि जो रिसेप्टर होते हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं. इसलिए जो हार्मोन्स होता है वो आकर क्या करेगा, बाइंड करेगा किसके साथ, प्रोटीन रिसेप्टर के साथ, जिसमें जैसे क्या बनेगा, कम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे हम, स्टीराइड प्रोटीन कम्प्लेक्स बोलेंगे. तो ये क्या है, दूसरा स्टेप है. पहला स्टेप क्या होगा कि जो हार्मोन है वो इंटर होगा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आएगा. दूसरा जो होगा वो क्या करेगा, रिसेप्टर के साथ जाकर क्या होगा, बाइंड हो जाएगा. बाइंड होने के नतीजे में क्या बनेगा, स्टीराइड प्रोटीन कम्प्लेक्स बन जाएगा. अब ये जो स्टीराइड प्रोटीन कम्प्लेक्स है इसके पास अफिनिटी होती है फॉर द डीएनए. ये डीएनए के लिए क्या करता है, अफिनिटी रखता है. इसलिए क्या करेगा, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ये क्या हो जाता है, इंटर हो जाता है. ये सेल के न्यूक्लियस में इंटर हो जाएगा, वहां जाकर ये क्या कराएगा, डीएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करा देगा. ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए. सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. तो जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो किसकी वजह से स्टार्ट हो रहा है, स्टीराइड हार्मोन्स की वजह से. वो कौन चीज को ट्रांसक्रिप्ट कराएंगे, ठीक है, जिसके नतीजे में क्या बन जाएगा, मैसेंजर आरएनए बन जाएगा. उसके बाद फिर क्या होता है, मैसेंजर आरएनए क्या होता है, सेल से के न्यूक्लियस निकलता है और दोबारा किस में आ जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर. वो साइटोप्लाज्म के अंदर जहां पर राइबोसोम मौजूद होते हैं, और मोस्टली जो राइबोसोम होते हैं कहां पर मौजूद होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर. उनके साथ आकर क्या हो जाएगा, वो अटैच हो जाएगा और राइबोसोम को सिग्नल देगा को क्या करे, प्रोटीन की सिंथेसिस कराए, मतलब ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट प्रोसेस वो कौन सा है, ट्रांसलेशन. अब ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए इज नोन एज ट्रांसलेशन. तो जब ट्रांसलेशन होगी तो उसके नतीजे में क्या बनेगी, न्यू प्रोटीन बन जाएगी. ये जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास प्रोटीन होगा, वही जो प्रोटीन है आप सेल के मेटाबॉलिज्म को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी. मोस्टली जो प्रोटीन्स होते हैं क्या होते हैं, एंजाइम इन नेचर होते हैं. एंजाइम जो होते हैं वो बनेंगे,
वो जाकर सेल के मेटाबॉलिज्म को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। इस तरह सेल क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा। अगर हम आपके डायग्राम पर आ जाएं, तो डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कि कोई जो स्टीराइड हार्मोन है, जो जिसको कैसे सिंथेसाइज किया है एंडोक्राइन ग्लैंड में, ठीक है, वो ब्लड स्ट्रीम के जरिए आ रहा है, ठीक है, वहां से क्या रिलीज होगा, वो आकर किसके साथ अटैच होगा, सॉरी डिफ्यूज हो जाएगा किसके अंदर, प्लाज्मा ब्रेन ऑफ सेल के अंदर, ठीक है, यहाँ से डिफ्यूज होगा तो आगे आएगा तो इसके अंदर क्या मौजूद है, प्रोटीन रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। ये जो ब्लैक कलर के आपको अंदर नजर आ रहे हैं, ये क्या है, प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये जो स्टीराइड हार्मोन है इसके साथ आकर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। तो ये जैसे ये बाइंड होता है, इसके अंदर क्या होती है, अफिनिटी होती है, क्या किस चीज की अफिनिटी होती है, डीएनए की। और हमें पता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड किसके अंदर मौजूद होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। तो ये जो प्रोटीन रिसेप्टर और स्टीराइड हार्मोन है, ये क्या होगा, आपस में बाइंड हो गया, क्या बना देगा, स्टीराइड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएंगे, इंटर हो जाएंगे। ये जो है सेल का न्यूक्लियस है, इसके अंदर जाकर ये क्या होंगे, इंटर हो जाएंगे, जहां पर ये क्या करते हैं, डीएनए को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि किस चीज की तैयारी कराए, मैसेंजर आरएनए की, ठीक है ना। तो डीएनए से क्या बन जाएगा, ये जो ब्लू के अंदर आपको नजर आ रहा है, मैसेंजर आरएनए क्या होगा, बन जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ये डीएनए सिग्नल देता है कि वो अपने कुछ जीन्स को क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट कराए, किस चीज के अंदर, मैसेंजर आरएनए के अंदर। तो ये ट्रांसक्रिप्शन के जब क्या बन जाएगा, मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये क्या होगा, न्यूक्लियस से दोबारा रिलीज हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस से रिलीज होकर दोबारा ये किसके अंदर आ जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, एक एक ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी दो फॉर्म है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर क्या मौजूद होता है, राइबोसोम मौजूद होते हैं। इसकी वजह से जब हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं, तो इसकी सरफेस जो क्या होती है, रफ नजर आती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर क्या मौजूद है, राइबोसोम मौजूद होते हैं। यही जो मैसेंजर आरएनए है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आ जाएगा और राइबोसोम के साथ आकर अटैच हो जाएगा। उसके बाद कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसलेशन का, ठीक है ना। ट्रांसलेशन मैंने अभी आपको बताया है, ट्रांसलेशन क्या होती है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना, क्योंकि कुछ जीन जो मैसेंजर आरएनए के पास है वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसक्राइब हो जाएंगे, ठीक है ना, किसके अंदर, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, ठीक है, ट्रांसलेट हो जाएंगे। तो ट्रांसलेशन के लिए क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। ये देखिए आप, अगर यहाँ पर देखें हम, राइबोसोम है, उसके साथ मैसेंजर आरएनए आकर अटैच हो गया है, ठीक है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो एक न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी, ठीक है ना। क्या बन रही है यहाँ पर, एक न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन, इसी न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो ये जो प्रोटीन होगी क्या होगी, इंजाइम बनाएगी, ठीक है, मुख्तलिफ तो इंजाइम को बना देगी। ये जो इंजाइम होगी फिर क्या करेंगे, सेल के मेटाबॉलिज्म को क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। अब ये जो सेल का जो मेटाबॉलिज्म है, उन प्रोसेस को कंट्रोल करेगा जो किसके खिलाफ रिस्पॉन्स करोगे, स्टीराइड हार्मोन के खिलाफ, ठीक है, उनके उस मेटाबॉलिज्म क्या करेगा, ये एंजाइम कंट्रोल करेंगे। इस तरह सेल क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा। तो इस तरह का जो रिस्पॉन्स है या मैकेनिज्म है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म बोलते हैं। उसे क्या कहा जाता है, मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म कहा जाता है। तो ये क्या है, दूसरा मैकेनिज्म था हार्मोन्स के रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है ना। दोबारा अगर हम देखें तो सेल के क्या है, हार्मोन्स के एक्शन के लिए दो मैकेनिज्म है। पहला जो है वो है फिक्स्ड रिसेप्टर मेम्ब्रेन मैकेनिज्म, दूसरा कौन सा है, मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म। ये दो मैकेनिज्म है, ठीक है ना। एक मैकेनिज्म जो किसके लिए है, प्रोटीन और अमीनो एसिड के लिए है, दूसरा जो है वो किन के लिए है, स्टीराइड हार्मोन्स के लिए, ठीक है ना। ऐसा क्यों है, दोनों के लिए अलग अलग क्यों है, क्योंकि जो पहले प्रोटीन और जो अमीनो एसिड है वो पानी के अंदर हार हो जाते हैं, इसलिए वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से डिफ्यूज नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए उनके जो रिसेप्टर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं, जबकि जो स्टीराइड हार्मोन है या जिनके अंदर मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म होता है, ये क्या होता है, आसानी से क्या होता है, क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि ये लिपोफिलिक होते हैं, आसानी से क्रॉस कर जाएगा। आगे इनके रिसेप्टर मौजूद होते हैं, रिसेप्टर साथ क्या होंगे, बाइंड होंगे, इनके पास अफिनिटी होती है किसमें, सेल के न्यूक्लियस में इंटर होने के लिए, डीएनए के लिए अफिनिटी होती है। ये डीएनए को स्टिमुलेट करेंगे तो उसके नतीजे में क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनेगा। मैसेंजर आरएनए जब रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन कराएगा, ठीक है ना, प्रोटीन बनेगी। यही प्रोटीन जो है क्या करेगी, सेल को रिस्पॉन्स शो कराएगी। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म है उसे क्या बोलते हैं, मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप कि आपको आसानी से समझ आ गया होगा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।